नमस्कार, मैं हूं नमिता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 की, जहां पर लोग गलियों और नालियों की समस्या से काफी दिन से परेशान थे। उनकी समस्या को वो बार बार उठा रहे थे। इस समस्या को वहां के पार्षद ने सुना और आगे तक इस बात को पहुँचाया, जिसके चलते वार्ड नंबर 38 की गलियाँ जल्द ही बनेंगी। ये गलियाँ RMC रोड में तब्दील होंगी। ये सारा का सारा विकास कार्य 80 लाख की लागत से बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के राज में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। जब से प्रदेश में CM मनोहर की सरकार आई है, तब से तेज गति के साथ प्रदेश का नक्शा बदलता जा रहा है। धीरे धीरे हर गली कूचे की बारी आ रही है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ का भी सौंदर्यकरण किया जा रहा है। पहले पार्कों का सौंदर्यकरण हुआ, सरकारी स्कूलों को एडवांस स्कूल बनाने की कोशिश की जा रही है, और धीरे धीरे जनता की हर शिकायत पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के चलते बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 में भी लंबे वक्त से जनता गलियों की खराब हालत को लेकर परेशान थी। इस मुद्दे को वार्ड नंबर 38 के पार्षद ने सुना और मसले को आगे तक पहुंचाया। वार्ड नंबर 38 के पार्षद के पति बुद्धा सैनी ने जब जनता की परेशानियों को सुना, समझा और समस्या का निवारण जल्द से जल्द निकालने का प्रयत्न किया, जिसके चलते वार्ड नंबर 38 में भी अब गलियां और नालियां बनेंगी और जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। वार्ड नंबर 38 में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई और बीजेपी के वरिष्ठ नेता टिप्परचंद शर्मा ने वार्ड नंबर 38 में 80 लाख की लागत से बनने वाली 7 गलियों के निर्माण का नारियल फोड़कर और श्याम मंदिर मलेना रोड के नज़दीक मुहूर्त किया। इस मौके पर टिप्परचंद शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 38 में काफ़ी लंबे वक्त से जनता को परेशानी हो रही थी, जिसके चलते 80 लाख की लागत से RMC रोड व अन्य विकास कार्यों का आरंभ किया गया है। जल्दी RMC रोड बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे आम जनता को भी लाभ मिलेगा, उनका जीवन सुगम होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हमेशा जनता के हित में कार्यरत हैं। इस मौके पर वार्ड नंबर 38 की पार्षद के पति बुद्धा सैनी ने बताया कि काफ़ी लंबे वक्त से जनता इन गलियों से परेशान थी, लेकिन अब जल्द से जल्द इन गलियों को बनाया जाएगा। उम्मीद है कि बरसाती मौसम से पहले ये गलियां बनकर तैयार हो जाएंगी, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वार्ड नंबर 38 में ये हमारी मेन रोड से लगती हुई गली है, करीब करीब 6-7-8 80 लाख की लागत की गली है। इनका RMC रोड का उद्घाटन करने आए। तो कितना जो समय लगेगा इनको बनने में, और क्या नालियों को भी यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, क्या किस तर्ज पर ये गलियाँ बनाई जा रही हैं? जहाँ जहाँ नाली की जरूरत है वो रखेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है उनको ख़त्म कर देंगे। ऐसा बल्लभगढ़ को बहुत बड़ा सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं। पब्लिक को बहुत ज़्यादा खुशी है, ऐसे मंत्री जब से आए काम की झड़ी लगी पड़ी है। पब्लिक सारी खुश है, और जितनी ये गलियाँ 6-7-8 80 लाख की लागत से बन रही, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो माना जा रहा है बरसात के मौसम से पहले बन जाएंगी। हाँ जी। देश के शहीदों को कुछ खास दिनों पर याद किया जाता है, और उसके बाद आम दिन के जैसे ही बाकी के दिन हो जाते हैं। लेकिन CM मनोहर लाल खट्टर ने एक विशेष आदेश जारी किया है, जिसके चलते शहीदों की प्रतिमा पार्क में लगेगी और स्टेडियम का नाम भी शहीद के नाम पर रखा जाएगा। इस तरीके की घोषणा CM मनोहर लाल खट्टर ने की है। इसी के चलते खेल मंत्री संदीप सिंह शहीद के गाँव पहुँचे और वहाँ पर शहीद को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री के विशेष आदेश पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पुलवामा अटैक में शहीद हुए अटाली गांव में शहीद संदीप कालीरमन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, और यहां के नवनिर्मित स्टेडियम का नाम शहीद के नाम पर रखे जाने को लेकर CM का धन्यवाद भी किया। इस स्टेडियम में फुटबॉल नर्सरी के साथ साथ ओपन जिम के अलावा क्रिकेट के लिए पिच का भी निर्माण होगा, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं किसान विरोध पर उन्होंने कृषि कानून को लेकर किसानों को सलाह दी है कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। गौरतलब है कि शहीदी दिवस पर पुलवामा अटैक में शहीद हुए अटाली गांव के शहीद संदीप कालीरमन की मूर्ति का अनावरण किया गया, और CM के विशेष आदेश पर खेल मंत्री संदीप सिंह यहां पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी। गाँव में रखे गए खास कार्यक्रम के दौरान CM की ओर से उन्होंने कहा कि जहाँ यहाँ के नवनिर्मित स्टेडियम का नाम शहीद के नाम पर रखा गया है, और किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले किसान बनाए गए कृषि कानूनों का इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। उन्होंने कहा कि किसान पहले इस्तेमाल करके देखें और फिर बताएं कि क्या कमी है। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसे खराब बताएंगे, ये कहाँ उचित है।
इसलिए उन्हें पहले कानून की जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज किसानों में घुसे हुए लोग किसान को ही बदनाम कर रहे हैं। खेलों को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि 2021 में हरियाणा में खेलो इंडिया लेकर आए और उन्होंने दावा किया कि 1966 के बाद प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर खेल आयोजित नहीं हुए हैं। जो फेडरेशन, जो एसोसिएशन, जो भी स्टेट लेवल की है, मैं सिर्फ हॉकी की बात नहीं करता हूँ, मैं सारे हरियाणा की सभी गेम्स की बात करता हूँ, कि जो लोग खिलाड़ियों के लिए नहीं कुछ कर सकते तो प्लीज़ वो ये पद छोड़ कर चले जाएँ। मेरा जो दिन रात मेहनत करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि खिलाड़ियों को उनका हक मिले। अब खिलाड़ियों को रहने की सुविधा अच्छी नहीं होगी, खाने की सुविधा अच्छी नहीं होगी, कोरोना काल के टाइम आप पूरे देश भर से टीमें मंगवा रहे हैं और वहाँ पर उनको सैनिटाइज का नहीं, उनके रूम में गद्दे नहीं, बाथरूम के दरवाजे नहीं, तो ऐसी चीज़ें, अगर कपड़े भी खुद धो रहे हैं बाहर तालाब के अंदर। वैसे हमारा एक छोटे भाई ने शहादत दे करके इस देश का नाम रोशन किया है, इस प्रदेश का और गांव का नाम रोशन किया है, तो आज संदीप जी यहाँ आए हैं और उन्होंने खुद आकर के इस स्टेडियम का नाम भाई स्वर्गीय संदीप सिंह के, शहीद संदीप सिंह के नाम से जो होना अनाउंस किया है। इसमें फुटबॉल की नर्सरी, फुटबॉल का कोच, इवन बैल और बॉल और बैटिंग के लिए जो जाल और वो लगता है, पिच बनती है, वो बनाने का, ओपन जिम का। तो मैंने कल ही यहाँ कहा था कि भाई एक इनके भरोसे, माने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और भाई संदीप जी के भरोसे एक बात कह के गया था कि एक साल में इस स्टेडियम को बहुत अच्छा कर दिया जाएगा, लेकिन आज उन्होंने इसमें चार चांद लगा दिए कि ये शहीद संदीप सिंह के नाम से स्टेडियम होगा और जिसमें इसकी मूर्ति स्थापना हुई है। और इवन ये जो मैदान है, ये जो स्टेडियम है, एक आधुनिक स्टेडियम बन जाएगा। तो मैं तहे दिल से भाई संदीप जी का और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी का धन्यवाद भी करता हूं। खबर की और बात करेंगे एक ऐसे बुजुर्ग की जो जीते जी अपने वारिस को ढूंढता रहा कि उसको आखिरी वक्त में कंधा देने वाला आखिर कोई तो हो। बुजुर्ग की आंखों में न रोशनी थी, न सहारा देने वाला कोई वारिस, लेकिन उसकी किस्मत तो देखिए, जाते जाते अंतिम विदाई के लिए उसे विदा देने के लिए सैकड़ों समाजसेवी खड़े हो गए, जिन्होंने उनके वारिस के तौर पर उन्हें अंतिम विदाई दी और पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया। कहावत के अनुसार किसी ने खूब कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये कहावत NIT फरीदाबाद में पिछले 40 वर्षों से रह रहे 95 वर्षीय बुजुर्ग के देहांत के बाद सटीक साबित होती है। बता दें कि NIT फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके में रहने वाले 40 वर्षों से झुग्गी बनाकर जीवन यापन कर रहे लगभग 95 वर्षीय बुजुर्ग की अचानक से मौत हो गई। बुजुर्ग को आंखों से दिखाई भी नहीं देता था, जैसे तैसे वो अपने जीवन के अंतिम क्षण को काट रहे थे कि उनकी अचानक ही मौत हो गई और आसपास में रहने वाले लोगों ने बताया कि इस बुजुर्ग का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अकेले थे। अकेले होने के चलते उनके अंतिम संस्कार में भी बाधाएं आ रही थी, लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी इसकी सूचना मीडिया को लगी और मीडिया ने इसकी जानकारी कुछ समाजसेवियों से साझा की, जिसके बाद एक नहीं सैकड़ों समाजसेवी लावारिस बुजुर्ग के वारिस बनकर सामने आए और बुजुर्ग का विधिवत रूप से ढोल नगाड़े बजाकर अंतिम संस्कार कराया गया। इतना ही नहीं, शिवा दहिया और उनकी टीम अब बाबा की अस्थियों को हरिद्वार में ले जाकर विधिवत रूप से गंगा जी में प्रवाह भी करेंगी। इस मौके पर शिव दहिया और संदीप ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को अपने बुजुर्गों को यूं लावारिस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ये बाबा सारी टीम हमारी, ज़्यादातर हम गौ सेवा में रहते हैं, जैसे कोई घायल है या मृतक हो जाते हैं उसका गौ वंश का भी हम अंतिम संस्कार करते हैं। हमारी टीम ने आके बाबा का अंतिम संस्कार किया पूरे विधि विधानों के साथ। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी बुजुर्गों को दर दर की ठोकरें खाने पर छोड़ देते हैं? हमारा सभी भाइयों के लिए ये संदेश है कि हम किसी भी, जैसे ये बाबा थे इनका कोई नहीं था, जब हम सब एकत्रित होकर हम इस बाबा का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो वे भाई तो उनके अपने हैं जो दर दर की ठोकर के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो अपने माँ बाप की सेवा करें और ऐसे दर दर। हमें सूचना मिली थी, सुबह 8 बजे कॉल आई थी हमारे पास, तो के 55 सेक्टर के पास एक बुजुर्ग हैं जो लावारिस है, जिनका परिवार में कोई भी नहीं है, तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमें सूचना मिलने के बाद हमारी टीम गोवंश सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ को भी मौके पर पहुंची। हमने वहां जाकर देखा बुजुर्ग के पास सिर्फ उस टाइम 2 या 3 आदमी ही थे, वो आसपास के झुग्गियों से थे और कुछ वहीं से थे, 2-3 आदमी। उसके बाद फिर हमने अपनी पूरी टीम को सूचना दी, पूरी टीम हमारी मौके पर आ गई। फिर सारा विधि विधान द्वारा जैसे भी होता है उस तरीके से हमने सारा बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी अपने माँ बापों को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो एक बहुत अच्छा संदेश अभी इसी आपके थ्रू पहुंच जाएगा
कि हम ये जो हमारे सभी युवा साथी हमारी टीम है और जो वहाँ पर सारे इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर ये कैसा इंडिया है जहाँ पर पढ़ी लिखी बेटी के साथ ही छेड़छाड़ की घटना हुई। और ये कोई आम पढ़ी लिखी बेटी नहीं बल्कि एक महिला IAS अधिकारी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। ये मामला अब तूल पकड़ रहा है और जिसके चलते सियासत भी अब गर्माने लगी है, जिस पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने BJP सरकार पर जमकर निशाना साधा। फरीदाबाद शहर में महिला IAS अधिकारी के साथ छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर अब सियासत भी गर्माने लगी है। इसी के चलते कांग्रेस ने इस निंदनीय घटना पर सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधा और प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला IAS अधिकारी के साथ छेड़छाड़ अधिकारी का अपमान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। महिला IAS अधिकारी के साथ छेड़छाड़ के मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को हटाने और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सस्पेंड करने की भी मांग की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि ये एक महिला IAS अधिकारी का अपमान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर करारा तमाचा है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। दलाल ने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी ड्यूटी छोड़ मात्र किसानों की जानकारी एकत्रित करने में लगा है। लड़कियों को यहाँ से धंधा कराने का एक यहाँ अड्डा बना हुआ है फरीदाबाद में, अधिकारी उसमें संलिप्त, आपको याद होगा ये कोई 3 साल पहले मैंने की थी, फोटो भी दिए थे आपको। और हम उम्मीद करते थे कि फरीदाबाद पलवल को, क्योंकि सरकार इनकी मेहरबानी से बनी है तो यहाँ कोई लोगों को न्याय मिलेगा, उल्टा आज लोगों की यहाँ किसी की हिम्मत ही नहीं, किसी नुमाइंदे की या किसी वर्कर की। आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, आप BJP का कोई नाम तो लो जो इस सरकार और अधिकारियों के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता हो। पलवल से नहीं, मेरा घर यहाँ भी है। चौथ मामले हुए हैं क्या आपको पता है? ना मुझे नहीं पता। चौथ ऐसा लगता है जनाब, थोड़ी देर कांग्रेस एक BJP मतलब एक नाबालिग लड़की को खेला था, उसको एक बल्ला पड़ के लूटपाट पिटाई की थी, वो भी पार्षद चुनाव लड़ रहा है, वो भी BJP का है, वो आपको शायद जानकारी नहीं। मुझे जानकारी नहीं है। तो जानकारी रखनी चाहिए ना फरीदाबाद। मैं अगले महीने शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ। अच्छा, फिर आपकी सेवा में हाजिर रहा करूँगा। 26 तारीख को जो महाबंध बुलाया है कांग्रेस ने, किस तरह की रूपरेखा रहेगी कांग्रेस की? ये देखो, कांग्रेस ने नहीं बुलाया, ये हमारी 52 पाल है, आप और हम सब, ये दोनों जिले और मेवात का तमाम जिला, मथुरा का जिला, अलीगढ़ का जिला, ये 52 पालों का इलाका है जो 36 बिरादरी 52 पालों में आती है। और 52 पालों का जो फैसला है वो ये है कि जो भी दिल्ली से आवाज़ लगती है। चल बढ़ते अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वयं सेवी संगठन पलवल के संयुक्त तत्वाधान में विश्व तपैदिक दिवस पर मरीजों के लिए पौष्टिक आहार वितरित किए गए। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि वर्ष 2025 तक देश को TB मुक्त बनाना है, TB हारेगा और देश जीतेगा। उन्होंने बताया कि जिले में गत वर्ष TB के 2900 मरीजों को नोटिफाई किया गया, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनको लगातार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि TB के मरीजों की पहचान करने का मकसद ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी बुखार व वजन घटना आदि लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराए ताकि समय पर TB का इलाज किया जा सके। उन्होंने बताया कि समय पर इलाज करने से TB को दूर भगाया जा सकता है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला कोऑर्डिनेटर आरती मौर्य ने बताया कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने TB डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें TB के सभी मरीजों को पौष्टिक आहार प्रदान किया गया, मरीजों को जागरूक किया गया और किस प्रकार TB की बीमारी से बचा जा सकता है। तपैदिक के मरीज मधु ने बताया कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा पौष्टिक आहार दिया गया, जिसमें दाल, सोयाबीन, पापे, जूस आदि सामान शामिल थे। डॉक्टर की टीम ने उनके स्वास्थ्य की जांच की और सभी मरीजों को समय पर दवाइयां लेने की भी सलाह दी है। कैलाश नगर से बिलोंग करती हूँ। मुझे स्पाइन टीवी प्रॉब्लम है। 3 मंथ से रेड क्रॉस सोसाइटी के यहाँ से हमें पौष्टिक आहार जिसमें दालें, सोयाबीन और पापे दिए गए हैं। मैं आरती मौर्य, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज टीवी डे प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है। इसमें हमने जितने भी टीवी के पेशेंट हैं
उन सबको डाइट प्रोवाइड की है, उनको जागरूक किया है कि किस तरह से हम टीवी से बचाव करें। खाने में हमने उनको तो डाइट में फैन, रस, दालें, सोयाबीन इस तरह की चीज़ें दी हैं और कोरोना से दूर रहने के लिए समझाया और अपनी साफ सफाई बरतें। समग्र शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच का शिविर का आयोजन किया गया। 5 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील कुमार, जिला परियोजना संयोजक मुकेश यादव ने किया। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच की यहां पर व्यवस्था की गई थी और दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र भी बनाए गए। दिव्यांगों की सहायता के लिए ये शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान 90 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। ये एक्चुअली NRHM की तरफ से और समग्र शिक्षा की तरफ से, दोनों की तरफ से जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको सुविधा देने के लिए ये कैंप लगाया गया है। इसमें बच्चे की डिसेबिलिटी की जांच की जाएगी और उनको ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट इशू करे जाएंगे। और आज रेवाड़ी ब्लॉक का है ये कैंप, 5 दिन तक चलेगा। इसमें जो भी नियर अबाउट 500 बच्चे हैं हमारे पास जो CWSN है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो लाभान्वित होंगे सारे। और इसमें बच्चों को भागना नहीं पड़ता, जैसे कैंप्स लगा दिए गए तो सबसे है कि जैसे आज रेवाड़ी जिले ब्लॉक का है तो ब्लॉक के जो सारे हमारे रिसोर्स जो स्पेशल जो टीचर्स हैं तो वो आइडेंटिफाइड होते हैं, उनके पता किन स्कूलों में कौन कौन बच्चे हैं, उन बच्चे गार्जियन को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है और वो सारे बच्चे आज यहाँ आ गए तो इनके सर्टिफिकेट हाथ के हाथ इशू हो जाएंगे और इनको एल्मको जो कंपनी है उनकी तरफ से सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिसका जैसी जो डिसेबिलिटी है तो उसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ एल्मको कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।